गुड मॉर्निंग। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस मतलब विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? अ वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वायरस सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। ये रेप्लिकेट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ। वायरस सभी तरह की लाइफ को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस के बारे में आप COVID-19 के बारे में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कितने लोगों को कोविड हो रहा है। अब वायरस के बारे में जानने के लिए हम इसके कुछ कंटेंट्स पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस, कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, सिमेट्री ऑफ वायरस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स मेड अप ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड लिविंग सेल्स। वायरस नॉन सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है और ये बॉडी में अंदर बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। बिजेरनिक ने 1897 में, ये लैटिन नेम था, वायरस नाम दिया। बिजेरनिक 1897 कॉइन्ड द लैटिन नेम वायरस मींस पॉइजन। इसका मतलब होता है पॉइजन। तो कहीं ना कहीं वायरस बॉडी को हार्म पहुँचाने का काम करते हैं। Then the concept of virus, Edward Jenner 1798 introduced the term virus in microbiology. 1798 में सबसे पहले Edward Jenner ने term दी थी virus. Virus is a Greek means, virus का Greek mean भी है poison, means जहर होता है ये। Edward Jenner noticed that milkmaids who infected the cowpox develop immunity against the smallpox. He inculcated a boy with the vesical fluid taken from the hand to infected maid. The boy developed sustained immunity against the smallpox. एक बार हो जाने के बाद उसके प्रति बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जब एक बार वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। Then general characteristics of virus. Viruses are smaller than bacteria. इससे पहले हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। They range in size between 20 to 300 nanometer. ये 20 से लेके 300 nanometer size के होते हैं। Viruses contain only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, but never both. इनमें एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, या तो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए होता है, दोनों नहीं होते एक साथ। वायरसेज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। सम वायरसेज हैव एडिशनल लाइपोप्रोटीन एनवलप। जनरली वायरस में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन, उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है, कभी कभी लाइपोप्रोटीन एनवलप भी पाया जाता है। वायरस से लैक सेलुलर ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। जैसे कि सेल में और ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। इससे पहले वाले टॉपिक में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डिस्कस किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, ये इनमें नहीं होते। देन सिमेट्री पढ़ेंगे हम वायरस की। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, द वायरस पार्टिकल्स डज नॉट कन्फर्म आइदर क्यूबिक और हेलिकल सिमेट्री। इनकी कोई कंफर्म सिमेट्री नहीं होती। क्यूबिक भी हो सकते हैं ये, हेलिकल भी हो सकते हैं। क्यूबिक मींस घन और हेलिकल कुंडलाकार जो होते हैं, कुंडलित आकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्यूबिक सिमेट्री देखते हैं। वायरसेज आर, ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिए क्यूबिक जो घन होता है उसकी तरह से 2-fold, 3-fold और 5-fold सिमेट्री दी हुई है। ये वैसे देखने में स्फेरिकल दिखाई देते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंटेन इनसाइड द कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं और इनकी वर्टिसीज भी दिखाई दे रही हैं। वर्टिसीज डिफरेंट होती हैं।
then general structures of virus. Some virus have additional lipoprotein envelope. कुछ वायरस में जनरली तो प्रोटीन के होते हैं, लेकिन कुछ में लाइपोप्रोटीन एनवेलप भी होता है, कंपोज्ड ऑफ वायरली कोडेड प्रोटीन एंड होस्ट लिपिड. द वायरल एनवेलप इज कवर्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स. इनके एनवेलप पर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स या तंतु होते हैं. सम वायरसेज हैव एंजाइम इनसाइड द वायरन. कुछ के अंदर एंजाइम्स होते हैं. ऑल SSRNA वायरस विद नेगेटिव पोलरिटी हैव द एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज. इनमें एंजाइम जो होता है वो ट्रांसक्रिप्टेज होता है. इसमें RNA डिपेंडेंट होता है RNA पॉलीमरेज पर. रेट्रोवायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कंटेन द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रेट्रोवायरस हेपेटाइटिस बी में इनमें एंजाइम होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के काम आता है. देन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर DNA और RNA. पहले भी बताया था इनमें एक ही होता है न्यूक्लिक एसिड, या तो RNA या DNA. सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. ऊपर कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड बोलते हैं. द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. कैप्सिड में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, जो कैप्सोमियर्स कहलाती हैं. देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, नीचे कैप्सिड है और इसमें जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं, ये कैप्सोमियर हैं, ये ऊपर दिखाया हुआ है. द कैप्सिड कैप्सिड प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय द आउटर फिजिकल कंडीशन. कैप्सिड का काम जैसे कि प्रोटेक्ट करने का होता है, तो ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. देन सेकेंड सिमेट्री पर आते हैं हम, हेलिकल सिमेट्री. द वायरसेज पार्टिकल इज इलोंगेटेड नॉट स्फेरिकल. वायरस पार्टिकल्स इसमें लंबे होते हैं, स्फेरिकल नहीं होते पहले की तरह से. एंड द न्यूक्लिक एसिड इज स्पाइरल. और न्यूक्लिक एसिड स्पाइरल कुंडलित होता है. कैप्सोमियर्स आर अरेंज राउंड इन द न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमियर्स अरेंज होते हैं. देन टाइप्स ऑफ वायरसेज हेलिकल वायरस. यहाँ हेलिकल वायग्राम वायरस का डायग्राम बता रहे हैं. इसमें देखिए कुंडलित ये दिखाया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड मिडिल में दिखाई दे रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग कैप्सिड है और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं ये कैप्सोमियर है. इसका एग्जाम्पल इबोला वायरस का दिखा रखा है जो राइट में दिया हुआ है. देन इसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियोफेजेज. वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं अक्कर वाइडली इन नेचर इन क्लोज एसोसिएशन विद बैक्टीरिया. और ये नेचर में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं एंड रेडिली आइसोलेटेड फ्रॉम फीसेज सीवेज एंड अदर नेचुरल सोर्स. और आइसोलेट हो जाते हैं फीसेज से सीवेज से और जो और नेचुरल सोर्सेज हैं इनसे आइसोलेट होते हैं. अब बैक्टीरियोफेजेज डायग्राम दिया हुआ है, देखिए बैक्टीरियोफेजेज का. बैक्टीरियोफेजेज इज द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. क्या है ये? ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. बैक्टीरियोफेजेज वर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक टोर्ट 1915 में फ्रेडरिक ने इसको डिस्कवर किया था एंड फेलिक्स ने 1917 में डिस्कस किया था. बैक्टीरियोफेजेज की हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो इसमें आप देखिए तीन पोर्शंस क्लियर दिखाई दे रहे हैं. ऊपर हेड वाला पोर्शन है जो ब्रॉड दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर DNA दिखाई दे रहा है और इंटरनल प्रोटीन्स भी पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं. मिडिल में देखिए नेक लाइक स्ट्रक्चर है, देन एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर टेल शीथ दिखाई दे रही है और नीचे देखेंगे तो टेल फाइब्रिल्स हैं, पिन्स हैं एंड एंड प्लेट. नीचे की तरफ जो प्लेट है, जो बेस बनी हुई है, ये एंड प्लेट दिखाई दे रही है. मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में हम देखते हैं ये टेडपोल शेप के होते हैं. जैसे टेडपोल जो मेंढक का लार्वा होता है वो जिस तरीके का होता है, उसमें भी हेड एंड टेल होता है, उसी तरीके से टेडपोल शेप के होते हैं विद हेक्सागोनल हेड एंड हैड अ सिलेंड्रिकल टेल. जिसका हेक्सागोनल हेड होता है और सिलेंड्रिकल साथ में टेल होती है. हेड कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड कोर ऑफ DSDNA. ये टाइटली पैक्ड होता है और इसमें DNA होता है. आप DNA देखिए मिडिल में दिखाई दे रहा है. सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड.
और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, कैप्सिडेंस। द टेल कंपोज्ड ऑफ अ कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ सराउंडिंग द हॉलो कोर। टेल कॉन्ट्रेक्टाइल होती है जो कि संकुचनशील होती है, छोटी और बड़ी होती रहती है, और इसके ऊपर एक हॉलो कोर होता है। टर्मिनल बेस नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, टर्मिनल बेस प्लेट हैविंग प्रॉन्ग्स और टेल फाइबर्स अटैच। ये जो बेस प्लेट है नीचे ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इसमें टेल फाइब्रिल्स होते हैं। टर्मिनल प्लेट और एंड प्लेट कहलाती है क्योंकि ये एंड रीजन में होती है, और इसके नीचे पिंस दिखाई दे रही हैं। देन ये हमने पढ़ा बैक्टीरियोफेजेज के बारे में, इसकी संरचना, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ा। अब वायरस जो है ये हमें पता है कि ये इन्फेक्ट करते हैं, तो इनका ट्रांसमिशन ऑफ वायरस हम पढ़ेंगे, इनसे कौन कौन से विषाणुओं से संक्रमण कैसे होता है। कैसे संक्रमण होता है? बाय ग्राफ्टिंग। जब कोई भी पौधे में ग्राफ्टिंग की जाती है तो एक पौधा जो मान लीजिए जिसमें डिजीज होती है उसके साथ दूसरा पौधा ग्राफ्ट कर दिया जाता है, या एक स्वस्थ पौधे पर दूसरा डिजीज वाला पौधा ग्राफ्ट कर दिया जाता है, तो इससे ट्रांसमिशन हो जाता है वायरस का। सेकंड है बाय सीड्स। सीड्स के द्वारा कैसे होता है? जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली है या कुकुरबिटेसी है, इनमें पौधों में क्या होता है, संक्रमित बीज होते हैं। जो मान लीजिए हमने कोई भी डिजीज जिसमें है वो बीज ले लिया हमने, तो वो यदि उगाते हैं तो उनसे ट्रांसमिशन हो जाता है वायरस का, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाय रबिंग। रबिंग से हो जाता है, मान लीजिए हवा तेज चलती है तो पौधे आपस में टकराते हैं, तो उनमें एक स्वस्थ पौधा भी हो सकता है, एक संक्रमित पौधा भी हो सकता है, दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों के टकराने से घर्षण उत्पन्न होता है और फिर उससे विषाणु प्रवेश कर जाते हैं, वायरस प्रवेश कर जाते हैं। बाय एयर एंड वाटर। ये मान लीजिए पानी में, पानी डाला पेड़ों में और पानी एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहा है, संक्रमित पौधे का पानी दूसरे पौधे में चला गया, तो उससे या फिर हवा से भी होता है। मान लीजिए कोई पौधा किसी जगह से कट जाता है या टूट जाता है, थोड़ा भी उसमें छेद हो जाते हैं, उस जगह मान लीजिए हवा अंदर चली गई संक्रमित पौधे की या पानी चला गया, तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। देन बाय सॉइल। कभी कभी जब पौधे कट के मिट्टी में गिर जाते हैं तो मिट्टी को हम वापस लगाते हैं, तो हो सकता है कोई ख़राब पौधे के संपर्क में, उस मिट्टी के संपर्क में स्वस्थ पौधे के संपर्क में आने पर संक्रमण हो जाता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस इसी तरह फैलता है। बाय टच, स्पर्श से। मान लीजिए कोई पौधा जिसमें हम कटिंग कर रहे हैं या उसे ग्रो कर रहे हैं, हमने उसे छुआ, उसके बाद संक्रमित पौधा था, उसके बाद हमने स्वस्थ पौधे को छुआ, तो उसे टच से भी इन्फेक्शन हो जाता, संक्रमित हो जाता है पौधा। बाय स्मोकर्स। टोबैको मोज़ेक वायरस जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी उंगली के संपर्क में आता है, और उससे या मुंह से हाथ लगाने पर और फिर बाद में किसी प्लांट को छू लेने से ये रोग हो जाता है। बाय कंटामिनेटेड टूल्स। जिस समय गार्डनिंग करते हैं तो टूल्स काम में लेते हैं, टूल्स में हमने एक संक्रमित पौधे को पहले कटिंग की या ग्राफ्टिंग की, उसके बाद एक अच्छे पौधे को की, स्वस्थ पौधे को, हेल्दी प्लांट को किया, तो उससे भी वो संक्रमण हो जाता है। देन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, एफिड्स होते हैं छोटे छोटे, और ये हनी बी होती है और ये बटरफ्लाई होती हैं, ये सब क्या उसमें प्लांट्स का रस चूसती रहती हैं, तो जब वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो इसके उनसे भी ये ट्रांसमिशन हो जाता है। अब हम इसे कैसे पहचानते हैं कि कैसे इनमें डिजीज है, कैसे वायरस से इन्फेक्टेड हैं? तो या तो आप देखते हैं जो ऐसी पत्तियाँ, पौधे की पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, या इनमें जो ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो इन्फेक्शस होती हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मीन्स बीच बीच में पैचेज दिखाई देने लगते हैं, लीफ का रंग बजाय ग्रीन के क्लोरोफिल ना होने कारण येलो हो जाता है, या कभी कभी उनके ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है,
कभी वेन वाइडनिंग हो जाती है, कभी पत्तियां कटी फटी हो जाती हैं, या कई जगह से पत्तियां एकदम मर जाती हैं, मुरझा जाता है। कई बार हम देखते हैं इन्फेक्शंस जो होते हैं प्लांट्स, उनमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, कहीं कहीं फूलों पे या पत्तियों पे कुछ धारियां नज़र आने लगती हैं। इस तरीके से इस रोग की पहचान की जा सकती है कि पौधा कहीं ना कहीं इसमें वायरल इन्फेक्शन है। वैसे इंडिया में यदि देखते हैं तो टोबैको मोज़ेक वायरस ज़्यादा होता है, और ये गन्ने में, कुकुरबिटेसी में, मूंगफली में, आलू में और इसके अलावा कुछ दालों में होता है। जो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है अरहर की दाल में, कॉटन कपास में होता है, मिर्च में, भिंडी, पपीता, बैंगन, केला, नींबू, संतरा, इन सब में ज़्यादा होता है, और इससे फिर नुकसान होता है। कुछ डिजीज हैं जिनके नाम हैं, जो वायरल डिजीज हैं, जैसे स्किन में जो होती है, स्किन में इन्फेक्शन होता है तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, नर्वस सिस्टम में होता है तो रेबीज एंड पेलियोमाइटिस, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है तो येलो फीवर, हेपेटाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। इसके बाद एक असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, राइट अ नोट ऑन वायरस। तो वायरस के ऊपर आप एक नोट लिखिए, डिस्क्राइब करिए क्या होता है वायरस और कैसे ये ट्रांसमिट होता है, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, क्या इसकी सिमेट्री है, इन सब बारे में। थैंक यू।